तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए जॉन एफ केनेडी सेंटर की मुलाकात करी। युवा एंटरप्रीन्योर्स ने वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए संबोधित कर। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने संबोधित कर। समिट की आतुरता की राह जोई रह्यो हतो। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी संबोधन में आ बात उल्लेख करायो त्यारे भारत अमेरिका पार्टनरशिप कन्विनियंस नी छे त्यारे आ पार्टनरशिप पायो युवा उद्योगपतिओ छे। आ भागीदारी दुनिया भविष्य बदली शके छे त्यारे भारत 7% विकास दर साथे आगळ वधी रह्यो छे। भारतीय कंपनीओ अमेरिका में रोकाण करी रही छे त्यारे डिफेन्स एविएशन अने आईटी थी स्पेस सुधीनुं रोकाण कराशे। कोरोना जेवी महामारी में पण भारत विश्वासनी साथे आगळ वधी रह्यो छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए तेमना संबोधन में आ वातोनो उल्लेख कर्यो। हम भारत के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। 10 साल में भारत, जैसा अभी जॉन ने कहा, दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने इस महामारी का मुकाबला किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। आप जानते हैं कि आज पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन क्या हालत है, इन सब के बीच भारत आज 7% से अधिक से भी ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, आज भारत में रिफॉर्म्स का एक अभूतपूर्व दौर चल रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड के आप लोग जानते हैं कि हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन आसान नहीं है, लेकिन आज भारत ये भी करके दिखा रहा है।